अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे हड्डी गुड्डी का सालन। इसमें पाया इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, सिर्फ हड्डी गुड्डी ली है। और इसका जायका बिल्कुल आपको पाया जैसा लगेगा, कि जैसे आपने पाए पकाए हैं। कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने हड्डी गुड्डी का सालन इतना मज़ेदार कैसे बनाया, हर कोई आपसे पूछेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करें। तो आए मेरे साथ बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 3.5 किलो हड्डी गुड्डी है, सिर्फ हड्डी गुड्डी यूज़ की है मैंने। उसमें तकरीबन 3-4 नलियाँ भी हैं और कुछ इस तरह से हड्डी में एक आध बोटी में लगा हुआ है तकरीबन ये गोश्त। और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, किसी किस्म के इसमें कचरा नहीं था। तो मैं पानी इस कुकर में डाल रही हूँ, मैं कुकर में बना रही हूँ। तकरीबन 2 घंटे के अंदर ये पक जाएगा, आपको पूरी रात पूरे दिन रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़ीरा यूज़ किया है, 1 टीस्पून, बड़ी इलायची, 3 लौंग, दालचीनी ये इस्तेमाल करिएगा ताकि जो है इसमें खुशबू अच्छी से आ जाए। सॉल्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून और मज़ीद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 लार्ज साइज़ की अनियन और इसमें जिंजर गार्लिक डालूंगी मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। ज़्यादा करिएगा अदरक को, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैंने इसमें किसी किस्म का पानी उबाल के इसको फेंका नहीं, डायरेक्ट ही चढ़ा दिया है। मैं कवर कर दूंगी और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं कुक कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 2 घंटे बाद। तो यहाँ देखें 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसको जो है इसका धुआं निकल गया। तब जब मैंने इसको कुकर को खोला तो इस तरीके से ये इस कंडीशन में है और सारा जो आप देख सकते हैं रोगन इसमें कितना ज़्यादा आया है। आप चाहें जब मसाला भून रहे हैं तो रोगन अलग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप ही ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन हो जाए, इतना ही ऑयल यूज़ किया है मैंने। इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ की, 2 स्लाइस की हुई। बिल्कुल भी कोई नहीं पहचानेगा कि आपने ये पाए का सालन बनाया है या हड्डी गुड्डी का। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होता है। आप इस विंटर स्पेशल में इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा। यही मौसम होता है ये सब चीज़ें खाने का। तो यहाँ देखिए ब्राउन हो गई है प्याज, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन दोबारा से, क्योंकि मसाले में हम अलग से भुनाई करेंगे। और उसमें जब मैंने ऐड किया था उसमें इसलिए ऐड किया था कि उसकी स्मेल निकल जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ देखें बस इसको सौते कर लिया है मैंने, बाकी इसमें जो है मैं मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं दही ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो मैंने 1 कप दही यूज़ किया जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। तो यहाँ देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून। आप मिर्चें हल्दी ज़रूरत अपने कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी ऐड की थी। बाद में जब हम लोग ऊपर से खाते हैं तो तब गार्निश करते हैं, मैं अंदर ऐड नहीं करती। तो सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने इसमें 1 टीस्पून। सॉल्ट मैंने चख लिया था, मुझे कम लगा था इसलिए मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखें आप, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी इसी हड्डी गुड्डी में और तकरीबन मैं इसको और मज़ीद पकाऊंगी। और आप इसमें अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप पानी अलग से बॉईल करके इसमें इस वक्त ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटे से भी ज़्यादा मैं इसको पकाऊंगी हल्की आँच पर। जितना आप इसको पकाएंगे हल्की आँच पर मसाला भुनने के बाद, उतना ही ज़्यादा जायका निकल कर आता है। अब आप चाहते हैं तो नहीं तो आप इसको 15 मिनट भी बना सकते हैं। तो गरम मसाला मैंने इसको बिल्कुल ऊपर से ऐड किया है ताकि इसमें फ़्लेवर अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ मैं ज़ाफ़रानी गरम मसाला ऐड करती हूँ, इसकी खुशबू पाए में हड्डी गुड्डी में बहुत अच्छी आती है ज़ाफ़रानी गरम मसाले की। मैं रेडीमेड गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ इसमें। और यहाँ देखें ये अच्छी तरह से मैं इसको डिप कर रही हूँ और ये पक चुका है, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसे बनाया है। आप इसमें जितना शोरबा रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं, सारा जायका इसके शोरबे में ही होता है। हड्डी गुड्डी का शोरबा जैसा सालन बनकर तैयार है, जो बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है इस सर्दी में स्पेशली। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। देखिए आपको लग रहा है ना बिल्कुल ये पाए जैसा बना है, बिल्कुल इसका टेस्ट पाए जैसा आया है और खाने में बेहद लाजवाब। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।